दोस्तों, नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन ईजी शुरू हो गया है। मोदी जी 2024 चुनाव को लेकर के इतना डरे हुए हैं ना, वो डर अब दिख रहा है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ऐसे ही चले गए बीजेपी के पास क्या? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बताएंगे आपको, और उसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी जी का प्लान क्या है और नीतीश के बाद अब लिस्ट में कौन है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अब की बार 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी को 5 कद्दावर नेता मात दे सकते हैं, जिनके बलबूते पर इंडिया गठबंधन बना है, जो बड़े आसानी से मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। और ये बात मोदी और शाह को बड़े अच्छे से मालूम था। नीतीश कुमार प्लस केजरीवाल प्लस ममता बनर्जी प्लस लालू यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इस कॉम्बिनेशन के आगे ना राम मंदिर वाली राजनीति भी फेल साबित हो सकती थी। इसी के चलते इंडिया गठबंधन को तोड़ना सबसे जरूरी था और ये इसी पर ना फोकस किया जा रहा था। चाणक्य, अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी चाहते थे बस किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए और उसका जरिया नीतीश कुमार है। अब इसमें कोई दोराय नहीं है कि नीतीश गया तो साथ में इंडिया गठबंधन को भी डुबा करके गया है। नीतीश कुमार धोखेबाज है, नीतीश कुमार पलटू राम है, ये सब कुछ के ऊपर सवाल ये है कि आखिर नीतीश गया क्यों? नीतीश के बाद और किन किन का शिकार करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह? आज की इस रिपोर्ट को ध्यान से, गौर से देखना और सुनना। बिहार और बिहार से सटा हुआ झारखंड में ऑपरेशन ईडी शुरू हो गया है। दोनों राज्य में गैर बीजेपी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैंने कुछ समय पहले ही आपसे कहा था कि 4 नेता ऐसे हैं ना जो 2024 चुनाव जो है वो जेल से लड़ सकते हैं और जीत करके दिखाएंगे। इनमें 2 नेता, एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दूसरा पूर्व उप मुख्यमंत्री डेप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को जेल में डालने की पूरी कोशिश जो है वो शुरू हो गई। बिहार में सियासी हलचल के एक निर्णायक मोड़ के बाद, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, अब निगाहें ना लालू परिवार और ईडी दफ्तर की ओर है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव पेश हुए, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे वो। लालू के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुंची, मौजूद रही। ये मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले का है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं और अब विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो है सारे पत्रकार पहुंचे, पुलिस की मौजूदगी है। ईडी दफ्तर के बाहर जो है लालू यादव और उनकी बेटी नजर आई और अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो न्यायालय को इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट फाइल होने की जानकारी मिली। ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट में राबड़ी देवी, हेमा यादव, मीसा भारती, अमित कटियाली और चौधरी जी का नाम शामिल किया है और कुछ दूसरे लोगों का भी नाम शामिल है। इसमें लालू यादव से क्यों पूछताछ हो रही है ये जो है आगे चल के पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतनी सी बात तो सबको समझ में आ रही है कि जिस दिन, आप सोचिए ना कि जिस दिन नीतीश कुमार सरकार तोड़ करके फिर से अपना सरकार बनाते हुए नजर आते हैं एनडीए के साथ, लालू की पार्टी को वो छोड़ते हुए, उनका साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं, इंडिया गठबंधन को तमाचा मारते हुए नजर आते हैं, उसके दूसरे दिन ही ना लालू यादव, यादव परिवार पर ना ईडी टूट पड़ती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा असर ना तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम होगा। तो वही गंदी राजनीति किसे कहते हैं ना, आज देश ये देख पा रहा है। झारखंड में ईडी ने आज लालू यादव जो है, बिहार में लालू यादव और ईडी जो है हेमंत सोरेन को झारखंड की राजनीति को ना डमाडोल में डालने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन दोनों की परेशानी, एक तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, दोनों परिवार की परेशानियां बढ़ा दी गई है।
लालू यादव को जहां पटना दफ्तर बुलाया गया, वहीं झारखंड की राजनीति में भी भूचाल आने की संभावना है। हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से उनके दिल्ली वाले घर पर पूछताछ के लिए ईडी पहुंची। इससे पहले 7 बार हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन भेजा गया। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास पर पहुंची है। ईडी की टीम के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है। हेमंत सोरेन भी इस वक्त दिल्ली में ही है और इसीलिए माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। ये सबके बीच एक ही सवाल सामने आता है कि व्हाट डज मोदी वांट, कि आखिर मोदी जी चाहते क्या है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग करने के बाद अब नजर इन 4 नेताओं पर है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, लालू तेजस्वी यादव। इसमें हेमंत सोरेन और लालू तेजस्वी पर नीतीश के इस्तीफे के दूसरे ही दिन ईडी जो है ना टूट पड़ी है। अब किसके इशारे पर ईडी टूट पड़ी है ये आप जानते होंगे कि आखिर ईडी जांच एजेंसियां किसके इशारे पर इस वक्त काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों मोदी शाह समझौता नाम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ भी करने की कोशिश करेंगे और वो कोशिशें जारी है, अंदर खाने से यही खबर है, ताकि इंडिया गठबंधन वो छोड़े, कांग्रेस को छोड़े। ममता बनर्जी के भतीजे और एकमात्र उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को लेकर के मोदी जी ममता को आए दिन लाल आंखें दिखा रहे हैं। ममता के कद्दावर नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जेल में है, कद्दावर नेता माणिक भट्टाचार्य जेल में है, कद्दावर नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक जेल में है, अनुब्रत मंडल जेल में है। इसके अलावा सांसद सुदीप बनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा, ममता के बाद सबसे कद्दावर नेता ममता की राइट हैंड फिराद हाकिम इस वक्त सबके सब ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है, तो कोई जमानत पर बाहर है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी कोल स्कैम को लेकर तो फंसे हुए है ही, यानी ममता बनर्जी भी पूरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में ममता किसी भी समय इंडिया का साथ, कांग्रेस का साथ छोड़ सकती है, क्योंकि ममता के पास कोई और चारा है नहीं। और बीजेपी की मोदी जी की किस तरह का दबाव है ये भी आप समझ रहे होंगे। वहीं बचे हुए अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। 2 मंत्री 1 सांसद, सबसे कद्दावर नेता जेल में है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब जेल में है। ऐसे में केजरीवाल को अगर फिलहाल के लिए पार्टी बचानी है तो केजरीवाल भी इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। दबाव उस पर भी बनाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के पीछे वजह सिर्फ एक ही है, उन पर इंडिया गठबंधन तोड़ने का आदेश था। क्योंकि मोदी शाह को भी मालूम था कि अगर इंडिया गठबंधन में सब इकट्ठा हुए तो चुनाव में बड़ा खेल हो सकता है। इन मौके पर जिसके पास पैसा पावर है, बोलवाला सबसे ज्यादा उसका है। इसमें बीजेपी फिलहाल सबसे आगे है, उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन देश में इंदिरा गांधी का भी दौर रहा, इंदिरा गांधी की राजनीति और पॉपुलैरिटी सबने देखा है और इंदिरा गांधी को हारते हुए भी सबने देखा है, तो मोदी जी क्या है। लेकिन तब की राजनीति और अब की राजनीति में अंतर है। तब सरकारी एजेंसियां, मीडिया, चुनाव आयोग स्वतंत्र था, अब नहीं है। इसीलिए ना दोस्तों ईडी के जरिए मोदी जी हर एक विपक्षी नेता को घायल करने पर उतारू है। और अब टारगेट जो है वो लालू परिवार है, तेजस्वी यादव है, हेमंत सोरेन है, ममता बनर्जी की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है। किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन को तोड़ना है ताकि कोई भी कांग्रेस का साथ ना दे सके और फिर एक बार 2024 में मोदी जी हैट्रिक के साथ फिर एक बार जनता को जो है अब कह सकते हैं जनता की सेवा करने के लिए मोदी जी आ सके। अब वो वाकई पिछले 9 साल में कितना सेवा किए हैं उसका एक एक कर एपिसोड जो है देशनीति लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी इस पूरे एनालिसिस को आप किस तरह से देखते हैं, क्या आप इसके साथ सहमत हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हमें आपसे सपोर्ट मिलता रहेगा हम उसी तरह से बेबाक और बेखौफ होकर भी, जहां आप सोचिए कि बड़े बड़े नेता भी निष्पक्षता या विपक्ष का साथ छोड़ करके मोदी जी के गोद में जाकर के बैठती हुई नजर आ रही है, जैसे जेडीयू ने किया, ऐसे और भी हो सकता है कि अकाली दल भी बीजेपी के साथ जुड़ जाए। लेकिन
हमारा जैसा जो मीडिया है ना, जो स्वतंत्र खुद को कहता है, वो मीडिया आज भी बेखौफ और बुलंद आवाज के साथ आप तक सच पहुंचाने का काम कर रहा है, और इसमें आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बने रहिए देश नीति के साथ, आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।